आज हम बनाएंगे पोटैटो वेजेस जो खाने में बहुत ही टेस्टी हैं, काफ़ी क्रिस्पी होते हैं और अंदर से बहुत सॉफ्ट। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो इसका टेक्सचर देखिए, यह अंदर से काफ़ी सॉफ्ट है और बाहर से एकदम क्रिस्पी होते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर होता है और केवल ये 15 से 20 मिनट में ये बनकर रेडी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो चलिए फिर इसकी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग शुकिंग विद काजल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये लार्ज साइज़ के 3 आलू लिए हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको एक ही साइज़ के यहाँ पर आलू लेने हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हमें आलू का यूज़ नहीं करना है। तो इसको इस तरीके से हम लंबे में कट करेंगे। तो इन आलुओं को ना ही तो हमें बहुत पतला काटना होता है और ना ही बहुत मोटा काटना होता है। तो इस तरीके से बीच में कट करके फिर इसको इस तरीके से हमें लंबे में कट करना है। तो इन आलुओं का जो साइज़ होता है बस वही इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप यहाँ पर बराबर साइज़ में इन आलुओं को कट करें। तो आपको एक आलू को 8 पीसेस में कट करना है। तो इस तरीके से हमें लंबे में आलू को कट कर लेना है। आप इसको छील के भी ले सकते हैं लेकिन ये बिना छीले ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, तो यहाँ पर मैंने इसको बिना छीले लिया है। तो इस तरीके से हम सारे आलुओं के पीसेस कट करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये सारे आलुओं के पीसेस कट करके रेडी कर लिए हैं। तो आलुओं को आपको लगभग 2 से 3 बार अच्छी तरीके से धोने के बाद ही कट करना है और उसके बाद हम इसको एक बार और साफ पानी में धोएंगे। तो आलुओं को आपको अच्छी तरीके से धोना है ताकि इसका जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए। तो 102 बार हम इसको और धोएंगे। तो अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में पानी लिया है जिसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। तो जब पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए तब इसमें हम आलुओं को ऐड करेंगे। तो आपको यहाँ पर बॉईल करके आलू नहीं लेना है, हम इसी टाइम पे आलुओं को बॉईल करेंगे क्योंकि हमें इसको केवल 60 से 70% तक ही बॉईल करना है, हमें इसको ओवर बॉईल नहीं करना है। तो इसको केवल हम इतना बॉईल करेंगे ताकि ये अंदर से बिल्कुल एकदम सॉफ्ट ना हो। तो इसको कवर करके लगभग हम 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर बॉईल आने तक इसको कुक करेंगे। तो देखिए पानी में अच्छी तरीके से बॉईल आ गया है और 6 से 7 मिनट हो गए, इसको चेक कर लेते हैं। तो एक फोक से इसको चेक करेंगे। तो बस हमें इसका ऐसा ही टेक्सचर चाहिए, हमें इसको बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। तो यहाँ पर आलू बिल्कुल बॉईल होकर रेडी हैं। तो केवल आपको 5 से 6 मिनट के लिए इसको बॉईल करना है। तो इन आलुओं को हम किसी साफ कपड़े पे निकालेंगे। तो कपड़े पे निकालने से इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो सारा जो कपड़ा है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आपको इसको कपड़े पर ही निकालना है और लगभग आप इसको 2 से 3 मिनट तक किसी तरीके से छोड़ दीजिए ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो इस तरीके से सारे आलू को अलग अलग करके हमें इसको हल्का सा कपड़े से पोंछ लेना है ताकि इसका जितना भी पानी है वो निकल जाए और फ्राई करते टाइम आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से टिश्यू पेपर से या फिर किसी भी कपड़े से हमें इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देना है। तो 2 से 3 मिनट के बाद देखिए आलू भी ड्राई हो गए हैं। तो इसको किसी प्लेट में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये बिल्कुल तैयार हैं। तो अब इसमें हम 1/2 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे ताकि अगर इसमें थोड़ा भी पानी है तो वो भी कॉर्नफ्लावर डालने से एब्जॉर्ब हो जाएगा इसमें अच्छी तरीके से। तो इसको अच्छी तरीके से हमें सारे आलुओं के पीसेस को इसमें कवर कर देना है। तो इसमें हम अच्छी तरीके से आलू को कोट कर देंगे। तो अगर आप आलुओं में थोड़ा सा पहले कॉर्नफ्लावर ऐड करते हैं तो जो पोटैटो वेजेस है वो काफ़ी क्रिस्पी बनेंगे और इसका सारा पानी भी निकल जाएगा। तो अब हमें पोटैटो वेजेस बनाने के लिए एक स्लरी रेडी करनी है। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर 4 बड़े चम्मच मैदा ली है। तो आपको यहाँ पर 4 बड़े चम्मच मैदा लेनी है। अब इसमें हम 3 से 3.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप यहाँ पर आरा रोट का भी यूज़ कर सकते हैं।
तो जो आपके पास अवेलेबल हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें एक बड़ा चम्मच चावल का आटा ऐड करेंगे। तो चावल का आटा ऐड करने से जो पोटैटो वेजेस है वो काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद एक बड़ा चम्मच यहाँ पर बटर ऐड करेंगे। तो बटर से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप नहीं चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें आधा बड़ा चम्मच गार्लिक पाउडर, अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश गार्लिक को भी ले सकते हैं, और आधा बड़ा चम्मच पेरी पेरी मसाला, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आधा बड़ा चम्मच चिली फ्लेक्स और आधा बड़ा चम्मच यहाँ पर मैंने ओरिगैनो ऐड किया है। अब इसमें आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। तो अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप काली मिर्च का यूज़ थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर बारीक कटा हरा धनिया, अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है हमें, और इसका हमें एकदम पतला सा गोल बना के रेडी कर लेना है। तो आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करें, एक साथ पानी ऐड करने से इसमें गुठलियाँ भी पड़ सकती हैं। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो बहुत ही टेस्टी लगती है रेसिपी खाने में, और ये सबको बहुत ही पसंद आएगी, बच्चों से लेके बड़ों तक को सबको बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो लगभग आपको यहाँ पर एक कप से थोड़ा सा कम पानी आपको यहाँ पर डालना है, और इसका हम एकदम पतला गोल बना के रेडी कर लेंगे। तो ये भी काफ़ी थिक है, तो यहाँ पर एक से दो चम्मच पानी हमें और डालना है। और इसको अच्छे से मिक्स करके हमें बिल्कुल एकदम इसका क्रीमी सा पेस्ट बना के रेडी कर लेना है। तो ये बिल्कुल तैयार है। तो इस तरीके से जब इसमें आपको आलू को डिप करेंगे तो ये पोरिंग कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। तो इसका मतलब है जो हमारा बैटर है वो एकदम परफेक्ट है। तो अब हम आलूओं को फ्राई करेंगे। तो इस तरीके से बिल्कुल तैयार है ये। तो इसको फ्राई करने के लिए हमें ऑयल का टेम्परेचर काफ़ी हाई चाहिए। अगर आप इसको कम गरम तेल में फ्राई करेंगे तो ये एकदम सॉफ्ट से बनेंगे। तो आपको इसको फ्राई करने के लिए टेम्परेचर हाई चाहिए आपको ऑयल का। तो इसको हम कम से कम 30 सेकेंड के लिए आपको इसको हाई फ्लेम पर फ्राई करना है, और 30 सेकेंड के बाद फिर हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तो इसको फ्राई होने में लगभग 5 से 6 मिनट का टाइम लगता है। तो गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। तो ये रेसिपी बहुत ही क्रिस्पी होती है, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो बस आपको इसको फ्राई करने के लिए ऑयल का टेम्परेचर का थोड़ा ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम इसको पलट देंगे। तो केवल 5 से 6 मिनट में ये फ्राई होकर अच्छी तरीके से रेडी हो जाते हैं। तो अगर आप कम समय में कुछ टेस्टी खाने का सोच रहे हैं तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। केवल आलू से ये रेसिपी बनके रेडी हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गया, काफ़ी क्रिस्पी भी हो चुके हैं। तो चलिए फिर इसको सर्व करते हैं। तो सर्व करने से पहले सबसे पहले हम इसको टिश्यू पेपर पर निकालेंगे ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो सिर्फ आलूओं से आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में रेसिपी बन के रेडी हो जाती है। तो इसको सर्व करने से पहले इसमें थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला डालेंगे। आप चाहो तो आप यहाँ पर चाट मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पेरी पेरी मसाला स्प्रिंकल किया है। तो सिर्फ आलूओं से आप इस रेसिपी को बना सकते हैं, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर आपका कुछ कम टाइम में कुछ चटपटा खाने का मन करे तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी आसान सी रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।